सुजुकी स्विफ्ट 2022 मॉडल रिसेंटली लॉन्च हुई है पाकिस्तान में। कोशिश करेंगे वीडियो में आपको ज़रा डिफरेंट बातें बताएं, डिफरेंट जो लोगों ने नहीं बताई या कम से कम बताई हैं। अब इसका इंजन क्या है, मॉडल क्या है, सीसी क्या है, टॉर्क क्या है, न्यूटन क्या है, फलां क्या है, तो दिमागना क्या है, वो हम नहीं बताएंगे। हम आपको इसमें ज़रा डिफरेंट चीज़ें बताएंगे। सबसे पहले चीज़ क्वालिटी वाइज बेहतर है, लोकल प्रोडक्ट अगर देखी जाए कोई, मेरा ख्याल है पहली मुझे कोई गाड़ी पसंद आई हो छोटी में तो वो ये है। क्वालिटी काफ़ी बेहतर है एज़ कम्पेयर टू जिस तरह आप पुरानी या वैगन आर देख लो या इनकी कल्टस देख लो, वो तो नहीं, इसमें आपका लीस्ट क्वालिटी यूज़ होती है। इसमें एक ये चीज़ अच्छी LED दे दी है, ये कि चंद फीचर्स अभी भी मज़ीद कम है इसमें, तो वो भी दे देते तो मेरा ख्याल है बेहतर था, सीन फिट था। मगर एक चीज़ है, इंजन इसका 1000 होता तो इस पर आपको टोकन जो है ना, लाइफ टाइम टोकन हो जाता, वो आपका रौला हल हो जाता, मगर जो कि फ़िलहाल नहीं होगा 1000 cc, क्योंकि इस पर इंजन नहीं है चढ़ा हुआ, इस पर 1200 है, तो आप लगा लो। अब इसमें प्रॉब्लम ये होगा कि ये आपको इसके टोकन चलाना पड़ेंगे, ठीक है, पेट्रोल थोड़ा बहुत खाएगी क्योंकि ज़ाहिर सी बात है 1000 cc 1200 cc में फ़र्क होता है। टर्बो भी होता साथ तो ज़रा फिट सीन था, मगर खैर नहीं दिया, इंटरनेशनल मॉडल में तो टर्बो आता है। पार्ट शार्ट दोस्तों इसके मिल जाते हैं पार्ट, क्योंकि ये जैपनीज मॉडल में भी आता है, पार्ट शार्ट इसके सारे मिल जाते हैं, लाइट शाइट सामान थोड़ा सा महंगा है मगर मिल जाता है, कोई ऐसी बात नहीं कि नहीं मिलता, ठीक है। अब ये अच्छी चीज़ है, इन्होंने ये रिटेन जेन्युइन ही की है, ठीक है, मतलब क्वालिटी इशूज़ काफ़ी लोग अभी ये, हाँ मुझे चाहिए थी ज़रा दे देना, तो ये है कि अच्छा जी, अच्छा पुश स्टार्ट में ही है ये भी, हाँ ये जी आपके सामने फर्स्ट टाइम ये है कि इस तरह की गाड़ी लोकल में। ज़रा अंदरों LED चलाना एक मिनट, अंदरों ना LED, मैं ज़रा देखना चाह रहे हैं कि किस तरह की लगती है। ये वाली ना, बस ठीक ठीक, बंद कर देना, कोई बात नहीं बंद कर देना, चाबी दे देना ना मुझे। और फिर इसकी खूबसूरत DRL विद LED, वो चाबी दे देना मैं अंदर। हम दोस्तों बात जो है बताने वाली वो ये है कि गाड़ी अच्छी है, नो डाउट, थोड़ा सा इसमें ज़रा फीचर और दे देते ठीक है, नॉट बैड के फीचर और होते तो ज़्यादा मज़ेदार था काम। ये फुट ब्रेक होती इंटरनेशनल में, तो ये फुट ब्रेक आती है, इसमें ये दे दी। ओवरऑल बटन की क्वालिटी प्रेडिसेसर अगर देखे जाए इनके तो उससे तो बहुत बेहतर है, और पैडल शिफ्टर होते ज़रा गाड़ी टर्बो शर्बो भागती, मगर क्या टर्बो नहीं है इसमें, ब्लूटूथ ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है जी। और स्टार्ट दिया, ये मुझे वैसे अच्छी चीज़ लगी है, कहीं जाके जैसे कहते हैं ना हम समझो थोड़ा पाकिस्तान तरक्की करने लग गया है ना, बस ठीक है बंद ही कर दो, मैं ज़रा देख रहा जी। अब दोस्तों रोला ये है कि ये गाड़ी आप अगर, अब मैं लेने आया हूँ ना, उन शरीफा वाला रिव्यू दे रहे थे उंदरा सही रिव्यू देते हैं यार, रिव्यू नहीं है ये जो रियलिटी है वो है, ठीक है। ये गाड़ी भाई अभी लॉन्च हुई है रिसेंटली, ये कोई महीना पहले, ये अभी आप अगर चाहो ना मैं ऑन पे लेना चाह रहा हूँ तो सिर्फ वो मिलेगी ऑन भी, इस पे 4.5-5 लाख रुपया टर्बो, इस वेरिएंट पे टर्बो नहीं है, ये दूसरा है लोडेड वाला, ठीक है। ये आपको घर तक समझ लो 30 लाख रुपए की पड़ती है, घर तक ये गाड़ी 30 लाख रुपए की पड़ती है। इस पे अगर फाइलर हो 65,000 रुपये का नंबर है, और नॉन फाइलर है तो आप लगा लो कोई 70-80 हज़ार रुपये आपका लग जाएगा, ठीक है। सालाना इसके टोकन होंगे हर साल, क्योंकि इंजन 1200 cc है। ये ले रहे हैं जी फुल पेमेंट से आपकी बुकिंग कर रहे हैं, और ये है कि अगर रेट बढ़ता है तो कल को बुकिंग से पहले पहले तक, यानी 7-8 दिन में आपके नाम का पे ऑर्डर बन के वो मैच्योर होता है कंपनी के पास, तो फिर ये चीज़ है कि आपको रेट बढ़ भी जाए तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। बाकी ये चीज़ ज़रूर है रीसेल वाइज, आपको पता लोकल इसमें इन्वेस्टर बहुत घुस गया, बिक जाएगी कोई मसला नहीं है, ठीक है। और वो चीज़ मैनुअल वाली, दूसरी मैनुअल इनकी खड़ी है जो कि मेरा खुद ख्याल है नहीं होनी चाहिए थी, ये वाली इसकी ऑटो है ये ठीक है, मगर ये है कि ये 1200 ना होती, इसमें तेल भी खाएगी, एक ये प्रॉब्लम, पार्ट महंगे का मसला नहीं है, तेल एक खाएगी, ये है रीसेल का भी मसला नहीं है, आपको पता है इधर लोगों ने ले लेनी है, इधर इस तरह के लोग हैं, आपको पता है कि लोकल चीज़ ज़रा प्रेफर करते हैं,
तो ठीक है, हम भी कहते हैं यार लोकल में अच्छी क्वालिटीज़ हो, लेनी चाहिए, बिकती चाहिए, बिकनी मतलब ये कि अच्छी क्वालिटी, कोई इश्यूज़ ना हो चीज़ में। तो बिल्कुल, अब ये कि गाड़ी आपको रेडली अवेलेबल नहीं है, ऑन इस टाइम इस पे चल रहा है अभी, ये ऑन के लिए भी जो मार्केट में ज़्यादा नहीं है, गाड़ी आएगी तो आपको ये 3 लाख 3.5 लाख होगा, अभी 4.5-5 लाख रुपये इस पे ऑन चल रहा है लोडेड पे, जहाँ तक मुझे पता चला है। हो सकता है कम हो, ये कमी इसमें हो सकती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये गाड़ी अगर आप बुक करवाते हो आपको 3.5 माह बाद मिलती है, इस क्योंकि रश काफ़ी इनकी बुकिंग पे हो गया है। तो ये ज़रा डिफरेंट बातें थी वो बताने वाली। और ये है कि ये सुजुकी जो है एयरपोर्ट है, ये तो आप कहीं से भी ले सकते हो, वो रौला नहीं है। जो चीज़ मेन बताने वाली थी वो ये बातें हैं, ठीक है। और थोड़ा सा मुझे अंदर सीलर इसके नहीं अच्छे लगे, इंजन में क्वालिटी इश्यूज़ काफ़ी हैं, मतलब क्वालिटी इसमें कि थोड़ी बहुत हल्की कहीं जगह लगता है, बाकी बॉडी वाइज ठीक है, बटन जटन ठीक है, इसकी क्वालिटी काफ़ी बेहतर है। ये अब मैं नहीं बताऊँगा सारा कुछ ये, क्योंकि हर बंदे ने ये चीज़ें बताई हैं, तो कोशिश करेंगे यही आपको ज़रा डिफरेंट बात बताई जाए। एक मसला था हमारा ऑन का, एक मसला था रेडली अवेलेबल का, ये तो मैंने बातें बता दी, पार्ट्स का आपको बता दिया, रीसेल का भी बता दिया, ठीक है। आगे ये कि अब मैं ये नहीं कहूँगा ऐसे चलती है वैसे चलती है, ऐसे काटा है ये शॉप पे ऐसे जाती, वो खैर बाद की बातें, जब गाड़ी आएगी पास तब बंदा इसके ज़रा भगा के भी देखता सारा कुछ, अभी तो गाड़ी आई नहीं। मगर ये मेरे हिसाब से अगर मुझे कहो मैं इसमें इंपोर्टेड यूनिट लूँ, ठीक है, 2-3-4 साल पुराना, क्योंकि उसमें ज़रा फीचर्स काफ़ी, टर्बो शर्बो वो आता है 1000 cc टर्बो में, मैं वो प्रेफर करूँ, आपकी अब क्या मर्ज़ी है ये मैं नहीं जानता, ये आप जानते हो। और दूसरा ये मैंने बता दिया, अगर आप ये बुक कराओ 3-3.5 माह बाद मिलती है, ऑन का भी बता दिए कितना चल रहा है, उन पे काम है ठीक है, उन वालियों पे, बाकी उन पे तकरीबन आप कह लो 2.5-3 लाख है, इस पे ज़्यादा है। अब ये समझ लो छोटी गाड़ी को भी पाकिस्तान में 3 मिलियन से कम नहीं पड़ेगी, ठीक है, ये भी एक असूल बना लो समझो, 3 मिलियन कम अज़ कम 3 मिलियन। तो ये चक्कर है, इसमें खैर काफ़ी ऑप्शन और इम्पोर्टेड के भी आ जाते हैं, तो मैं तो वो कंसिडर करूँगा, क्योंकि फिर भी ये है कि थोड़ी बहुत गाड़ी हार्ड इसमें अभी भी बाहर से आवाज़ आ रही है वो बात करें। तो ये चीज़ें थी जिसे कहते हैं डिफरेंट थी इसके बारे में, बाकी ये कि गाड़ी बिकेगी इसमें कोई शक नहीं है, लोग लेंगे अगर इन्वेस्टर घुसेंगे इसमें भी, ठीक है। और ये है बाकी सारा सिनेरियो, ये स्मार्ट की एंट्री एक अच्छा दिया है इसमें फीचर, ठीक है। बाकी ये जी इसको बंद करते हैं, ये बंद हो गई, ठीक है। बाकी जो बात थी मैंने बता दी, ठीक है, ये अभी मिलती है नहीं मिलती सारा। और ये वाली भी दिखाते रहते हैं यार, कल को आप लोगों ने कहना ये नहीं दिखाई वो दिखा दी, ठीक है। ये वाली है, ये है कि ये गाड़ी ऐ ले लेना चाबी ना, हाँ वो हो गई देख ली, बस खोल देना और कुछ भी खोल देना, खुली हुई है ना बस, ठीक। ये चाबी वाली है, ठीक है, इसमें पुश स्टार्ट नहीं है, देख रहे हो स्टीयरिंग सादा, ये सारा आपने वीडियोस में देख लिया है, तो अपना बताने का वो मकसद भी नहीं था, बस ये था कि यार इसको भी ये चीज़ें हैं, आपको उसमें ज़रा बटन थोड़े और हैं, इसमें इस तरह हैं, बाकी एंड्रॉयड पैनल सारा ठीक है जी। तो ये सिनेरियो था दोस्तों, बाहर भी गाड़ी खड़ी है, मगर ये है कि वो अभी इनके पास ऑन के लिए फ़िलहाल ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं आई, नेक्स्ट मंथ से आएँगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो को अंत तक देखने का शुक्रिया, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और तो और इंशाल्लाह ऐसी बहुत सी वीडियोस लाएंगे आपके लिए, स्टे ट्यून्ड, दुआ में रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।